सब निकाल दीजिए नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राजय सिंह आपके साथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ती है और देर शाम वो हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर उनकी एमआरआई होती है और जांच रिपोर्ट जब निकलती है तो 3 महीने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि 3 महीने अगर बेड रेस्ट करूँगा तो 3 महीने में चुनाव ही समाप्त हो जाएगी, आखिर फिर बेड रेस्ट का क्या फ़ायदा। जी हाँ, वो उनका कहना है कि हम इस अवस्था में भी जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनता सब कुछ जानती है और इस बार मोदी की गारंटी नहीं बल्कि हमारे जनविश्वास को जनता पहचानती है और हमारे कामों को जनता पहचानती है और लोगों के बीच जिस तरीके से उनके उनके शरीर में दर्द होने के बावजूद भी, जी हाँ, वो व्हीलचेयर पर बैठ कर जाते हैं और तमाम जगहों पे वो जाते हैं, जनसभा करते हैं और लोगों का हुजूम उन्हें और लोगों का जो जन सैलाब मिलता है काफ़ी देखने लायक होता है। और उनका कहना है जिस तरीके से अगर इतने दर्द होने के बावजूद भी, जी हाँ, इतने दर्द होने के बावजूद भी मैं जनता के बीच पहुँचता हूँ। तेजस्वी यादव का कहना है जिस तरीके से इतने दर्द होने के बावजूद भी हम जनता के बीच पहुँच रहे हैं और जनता आप लोग हैं और आप लोग ही न्याय कीजिएगा कि आखिर इस बार क्या करना है, आपको नौकरी लेना है या फिर जुमलेबाजी में ही रहना है, क्योंकि 10 साल से जुमलेबाजी करे वहीं बिहार में डबल इंजन की सरकार है लेकिन फिर भी महंगाई, बेरोजगारी और दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव एमआरआई की रिपोर्ट आती है तो 3 महीने उन्हें कहा जाता है रेस्ट करने, उनके चेकअप किया जाता है और इतने जिस तरीके से लगातार सभी जगह पहुंच रहे हैं, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो उनके कंधों पर कंधा रखकर उन्हें हाथ पकड़कर उन्हें सभी जगह लेके जाते हैं। जरा देखिए कि क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।